कि क्वेश्चन नंबर टू हमने किया था कल, जो हमने किया था वो एडिशन के साथ किया था, ठीक है। आज जो हम कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन के संग करेंगे। तो आप लोगों को पता है सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, ओके। सब्ट्रैक्शन में कैसी वैल्यू लिखी जाती है ऊपर, हमेशा बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, तो आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो जब कभी भी हम किसी भी नंबर से बोरो करेंगे तो बोरो करते समय सेम यूनिट्स में वैल्यू को आप बोरो करेंगे। मिनट्स को यदि आवर से बोरो करा रहे हैं तो वो भी कन्वर्ट होकर के मिनट्स में ही आएगा, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 3 hours 50 minutes 30 seconds फ्रॉम 6 hours 20 minutes 40 seconds। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है, मतलब फ्रॉम के बाद कौन सी वैल्यू है, 6 hours 20 minutes 40 seconds, तो ये ही बड़ी होगी और आपको इसी को ही ऊपर लिखना होगा, ओके। तो सबसे पहले 6 hours लिखेंगे, 6 hours के साथ जो मिनट्स और सेकेंड्स हैं उसी को ही आपको मेंशन करना है, तो 20 minutes 40 seconds। सेकेंड वैल्यू इज 3 hours 3 hours है, 50 minutes है और 30 seconds है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 40 में से 30 को माइनस कर जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, तो 40 में से 30 माइनस होंगे तो 10 सेकंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे 20 मिनट्स है तो 20 में से 50 को माइनस नहीं करा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ बोरो आवर फ्रॉम आवर्स, आवर से हम बोरो लेंगे, तो ये आवर 1 hour पास करेगा, बट 1 hour इसको बोरो नहीं कर सकते हम, 1 hour को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 मिनट होते हैं 1 hour में, तो हम 60 में इस 20 मिनट्स को प्लस करा देंगे, तो 20 को काट करके आप ऊपर क्या लिखोगे, 80, 80 में से अब हम 50 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30, ओके। और आवर्स में इधर 6 की जगह क्या बच जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, तो 2 hours 30 minutes 10 seconds, ओके। एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इसी का ही हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बी नंबर करेंगे इसी का ही। बी देखिए क्या दे रहा है, 50 minutes 35 seconds, 50 minutes 35 seconds फ्रॉम 5 hours, यहाँ पे देखिए आवर्स आ गया 5 hours, मिनट्स 37 मिनट्स और सेकंड्स कितने हैं, 25 सेकंड्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो इधर क्वेश्चन में, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे मिनट्स और सेकंड्स दिया हुआ है, आवर की वैल्यू नहीं दे रही थी, उसी तरीके से यहाँ पे फ्रॉम में मिनट्स सेकंड के संग आवर भी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली की वैल्यू सबसे पहले लिखी जाएगी, आवर्स मिनट देन सेकंड, ओके। तो आवर में क्या आ गया, 5 hours, मिनट में 37, ओके, एंड सेकंड्स 25 सेकंड्स, मिनट्स में 50 मिनट्स, देन 35 सेकंड्स, ओके। अब इसको हम माइनस करा देंगे, अगर इधर आवर की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप जीरो भी मेंशन कर सकते हैं, ओके। 5 minus 5 0, अब आप देखेंगे एक बार 25 सेकंड्स है और नीचे 35 सेकंड है, तो कौन सी वैल्यू छोट बड़ी है, 35 बड़ी है, 25 छोटी है, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। यहाँ से मिनट से सेकंड के पास जाएगा तो आपको पता है कि ये सेकंड की यूनिट है और ये मिनट की है, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे, 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 plus 25, तो हम 25 को काट के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 85, क्योंकि 60 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 85। अब 85 में से हमें 35 को माइनस कराना है, 5 में से 5 गया 0, 8 minus 3 50, ये क्या हो गया, 50 seconds। अब यहाँ पे 1 minute बोरो किए थे तो यहाँ पे क्या हो गया, 36। अब आपको पता है 36 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, तो अगेन बोरो होगा, बट ये 1 hour है, 1 hour को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 60 मिनट में, 60 plus 36, तो क्या आ जाएगा, 36 को काट के आप ऊपर लिख देंगे, 96, ओके। तो माइनस करा देंगे 6, 9 में से 5 गया 4, 46 मिनट्स,
ओके और इसने वन बोरो किया, वन आर बोरो किया, तो यहाँ पे फाइव की जगह क्या हो जाएगा, फोर। तो फोर आवर 46 मिनट्स 50 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट इसी का ये सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज 3 hours 20 minutes from simple A to from 15 hours 12 minutes। करिए इसको दूर सॉल्व। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब तक तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड किया था, तो अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। सपोज करिए फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, एक्सरसाइज अभी हम नहीं कर रहे हैं, केवल एग्जांपल समझ रहे हैं। ठीक है, तो वेनू बॉट अ कफ सिरप फ्रॉम द मार्केट। वेनू ने एक कफ सिरप, जो खांसी का सिरप होता है, वो परचेज किया, खरीदा। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डेट वॉज जून 2015। मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई भी चीज खरीदते हो या मम्मी पापा खरीदते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चर डेट देखते हैं ना, कि कौन सी डेट को इसको बनाया गया और कौन से साल में बनाया गया। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है कि जून 2015 में बनाया गया है, एंड एक्सपायरी डेट वॉज दिसंबर 2016। और एक्सपायरी डेट मतलब कि उस डेट के बाद हम उस सिरप को पी नहीं सकते हैं। ठीक है, वो दवाई वेस्ट हो जाती है, उससे हमें बाहर फेंकनी होती है, तो वो एक्सपायरी डेट होती है दिसंबर 2016 दे रखा है। फॉर व्हाट ड्यूरेशन कैन दिस सिरप बी यूज्ड, तो हम कितने टाइम के लिए उस, या कितने ड्यूरेशन के लिए उस सिरप को हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ईयर दे रखा है यहाँ पे 2015। ठीक है, और मंथ जून 2016 15, और एक्सपायरी डेट क्या दे रखा है, दिसंबर 2016। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे ईयर और मंथ दोनों लिखे जाएंगे। ठीक है, वीनो ने जो कफ सिरप खरीदा, वो कब खरीदा, 2015 जून में। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ईयर, ईयर, फिर क्या लिखा जाएगा, मंथ। ठीक है, तो जो जून 2015 है वो तो बाद में आएगा क्योंकि छोटा हो गया, 2016 पहले आएगा, तो 2016 ईयर में आ जाएगा। और कौन से मंथ में एक्सपायर होगा, 12। खरीदा कब, 2015 में, और कौन से मंथ में मैन्युफैक्चर हुआ, 6 मंथ में। ओके, तो अब हम इसको माइनस करा देंगे, 12 में से 6 गए, 6 मंथ, और 6 में से 5 गए 1 0 0 0, मतलब कि 1 ईयर और 6 मंथ तक ही हम केवल उसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ तक ही हम इसको यूज में ले सकते हैं, इसके बाद हम इसको यूज में नहीं ले सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बाकी के आप जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, आपके डाउट्स होते हैं, वो आप नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।